कोरोना वायरस के चलते इस वक्त पूरे देश में जहां लॉकडाउन है, बावजूद इसके मजदूरों का पलायन यहां पर निरंतर जारी है। इस दौरान मध्य प्रदेश के सागर में भी एक दर्दनाक हादसा पेश हुआ, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई। इसके अलावा 20 मजदूर घायल हो गए। दरअसल एमपी के सागर में दलबतपुर में मजदूरों से भरा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद मौके पर कोहराम वहां मच गया। मामले की सूचना पाकर सागर और छतरपुर दोनों जिलों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि यहां पर शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक ये दुर्घटना सागर से छतरपुर की ओर जा रहे ट्रक के पलटने से हुई है। फिलहाल सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार फिलहाल जारी है। अधिक जानकारी के साथ में एवं संवाददाता शिशिर उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिशिर, क्या ये पूरा हादसा रहा? लगातार मजदूरों का पलायन यहाँ पर दोहरी चुनौती सरकार के लिए, क्या अपडेट है पूरी? जयती, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्र निर्माण में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो ही दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। मध्य प्रदेश से निकल के जाने वाले जितने भी, चाहे दिल्ली का रास्ता हो, महाराष्ट्र से आता है, चाहे बिहार का रास्ता हो, इन सारे हाईवेज पे पैदल और स्कूटर से, ठेले से, ट्रकों से, ऑटो से, इनसे लोग निकल के जा रहे हैं। और ये जो हादसा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश जा रहे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, और काफी लंबे समय तक लगातार सफर करने के दौरान ये एक पॉलिथिन से भरा हुआ एक ट्रक था, जिसमें 5 मजदूरों की तत्काल मृत्यु हो गई है और काफी गंभीर है। अभी आईजी शर्मा, अनिल शर्मा ने ये बताया था कि ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि तेज रफ्तार, जल्दी पहुंचने की और नींद आने की, झपकी आने के कारण ऐसी दुर्घटना हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही आज ही 6 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और लगभग 13 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो पलायन है मध्य प्रदेश में की सड़कों पर लगातार इस तरीके से, अभी गुना में 2 हादसे हो चुके हैं आज ही, एक सागर में हादसा हुआ, एक जबलपुर में हादसा हुआ, एक नरसिंहपुर में हादसा हुआ जी। तो ये लगातार दुर्घटनाएं, बीमारी से कम लोगों की मृत्यु हो रही है जयती जी, जी जी, लेकिन दुर्घटनाओं से अधिक मौतें हो रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने शिशिर जी, जिस प्रकार से यहाँ पर दोहरी मार पड़ रही है जो मजदूर वर्ग है उसके ऊपर। औरैया से भी एक बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया, 24 जनों की उसमें मृत्यु हो गई, मध्य प्रदेश का आप बता रहे हैं। तो क्या वो ऐसे कौन से कारण है, क्योंकि सरकार के द्वारा तो यहाँ पर तमाम उनके लिए पैकेजेस की घोषणा की जा रही है, तो क्या जागरूकता का अभाव है जिसके चलते चोरी छिपे, या फिर कुछ मजदूरों से बात की गई तो कहा कि अगर वो हाईवे के रास्ते सीधा सीधा जाते हैं तो पुलिस उन्हें डंडों से खदेड़ देती है, तो इस प्रकार से उन्हें कभी तो नदी का सहारा लेना पड़ता है, नदियों में यहाँ पर लिटरली उतरकर वो अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो कहीं पर ऐसे छुप छुप के निकलना पड़ना उनकी जान के लिए आगे भी खतरनाक हो सकता है। शिशिर जयती जी, जो सामने आया हमारे मध्य प्रदेश से जितने भी हाईवे पास होते हैं, उन हाईवे में हमने जो देखा है उसमें मजबूर है लोग, दोहरी मार पड़ रही है, उन्हें अपने घर पहुंचना है, बीमारी से बचना चाहते हैं, प्रशासन की कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी और शासन के मुखिया लोगों ने ये कह रखा है कि सबको खाना और सबको रुकने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बयान जारी होता है। किसी बड़े लोगों के लिए हर सुविधा है, हवाई जहाज से लाया जा सकता है, बसें भेज की लाई जा सकती है, लेकिन राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े निर्माता अगर मजदूर है, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई प्रशासन नहीं है, सिर्फ बयानबाजी होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिस प्रकार से आदेश पारित हो रहे हैं उनके धरातल तक पहुंचने की यहाँ पर आवश्यकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शिशिर।